नमस्कार केबी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजस्थान में भाजपा की जीत, परिणामों में बीजेपी की आंधी आ गई। राजस्थान में अशोक गहलोत ने मानी हार, नई सरकार को दी शुभकामनाएं, साथ ही दिया सुझाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपेंगे। राजस्थान में बीजेपी को खुशी के बीच मिला गप, अमेर सीट से हारे पार्टी के कद्दावर नेता सतीश पुनिया। राजस्थान में हार के बाद कांग्रेस में टूट, अशोक गहलोत पर उनके करीबी ने ही मढ़े हार के आरोप। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के परिणामों में बीजेपी की आंधी आ गई है। राजस्थान में भी मिला बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वोटों की गिनती अभी भी जारी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सीएम फेस को क्लियर नहीं किया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और पार्टी के सिंबल कमल के दम पर चुनावी मैदान में उतरी है। कई सभाओं में भी पार्टी नेताओं ने किसी भी नेता को सीएम फेस नहीं बताते हुए कहा कि जीत के बाद भाजपा के शीर्ष नेता इसका फैसला लेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की लिस्ट लंबी है। इस लिस्ट में करीब एक दर्जन नाम है। आइए यहां जानते हैं राजस्थान में भाजपा के सीएम फेस में रेस में शामिल नेताओं को। राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सीएम फेस की रेस में सबसे आगे हैं। इन्हें सरकार चलाने का अनुभव है, साथ ही राजस्थान के सभी वर्गों से जुड़ाव अन्य दावेदारों से अधिक है। वसुंधरा राजे पार्टी की राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक है। चुनाव से पहले हुए कई सर्वे में प्रदेश की 27% जनता ने माना कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम वसुंधरा राजे को ही होना चाहिए। बात चुनाव प्रचार अभियान की करें तो इसमें भी वसुंधरा राजे ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी है। भाजपा खेमे से सबसे अधिक करीबी 60 चुनावी सभाओं को वसुंधरा ने संबोधित किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई है। अगले 5 साल अब राजस्थान में बीजेपी का राज होगा। वहीं इस हार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। इसके साथ ही उन्होंने नई सरकार को राजस्थान के विकास के लिए सलाह भी दी है। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। यह सभी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार शाम को यहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि गहलोत शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में 199 सीटों के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती रविवार को हुई। खबर लिखे जाने तक भाजपा 11 सीटें जीत चुकी है और 103 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीट जीत चुकी है और 68 सीटों पर आगे चल रही है। राज्य की 200 में से 199 सीट पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था। करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सीएम फेस की रेस में सबसे आगे हैं। इन्हें सरकार चलाने का अनुभव है, साथ ही राजस्थान के सभी वर्गों से जुड़ाव अन्य दावेदारों से अधिक है। वसुंधरा राजे पार्टी की राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक है। चुनाव से पहले हुए कई सर्वे में प्रदेश की 27% जनता ने माना कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम वसुंधरा राजे को ही होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही जीत की तरफ आगे बढ़ रही हो, लेकिन कुछ सीटों के नतीजों ने पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसमें से एक अमेर सीट है, जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश पुनिया चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस प्रशांत शर्मा ने हराया है। प्रशांत शर्मा को विधानसभा के विपक्ष के उपनेता के मुकाबले 10,800 वोट मिले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ होते जा रहे हैं और रुझानों में बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में मायूसी दिख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कहे जाने वाले ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जहां पुराने पत्ते नहीं चढ़ते वहां वसंत नहीं आता। लोकेश शर्मा के इस बयान ने राजनीति में खलबली मचा दी है। तात्पर्य निकाला जा रहा है कि अब ओएसडी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुराने और बुजुर्ग लगने लगे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पुराने पत्तों का झड़ना जरूरी है। गौरतलब है कि चुनाव से पहले एक बड़ी खबर यह आ रही थी कि लोकेश शर्मा ने खुद के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा था। उन्होंने बीकानेर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। सीएम के ओएसडी इस बात से भी जरा नाराज नजर आ रहे थे।
वहीं ओएसडी शर्मा चुनाव से पहले सचिन पायलट से मिलने पहुंचे थे। हालांकि उनका कहना था कि यह मुलाकात पार्टी की चुनावी रणनीति और टिकट बंटवारे को लेकर हुई थी, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। इतना ही नहीं, लोकेश शर्मा ने सचिन पायलट से मुलाकात के बाद यह भी कहा था कि पार्टी को युवा पीढ़ी की जरूरत है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। राजस्थान में बीजेपी भले ही जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हो, लेकिन चुनाव में इसके एक बड़े नेता हार गए। राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर, तारानगर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र गुड़ानिया के हाथों का हार का मुंह देखना पड़ा है। दोनों के बीच यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। नरेंद्र गुड़ानिया ने राजेंद्र राठौर को 9,727 वोटों से हराया है। राजस्थान में धीरे धीरे विजेताओं के नाम का ऐलान होने लगा है। सबसे पहले बात झालरा पठान सीट के करते हैं, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जीत गई है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार 53,193 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं जमवार मगढ़ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र पाल मीणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 38,427 मतों से चुनाव जीत गए हैं। इटावा में पिपलदा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन पटेल की भारी वोटों से जीत। चेतन पटेल ने बीजेपी के प्रेमचंद गोचर को 21,005 वोटों से हराया। भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद गोचर के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो भी नहीं दिला सका। जीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी भाजपा प्रत्याशी के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, फिर भी भाजपा ने भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चेतन पटेल के समर्थन में किसी भी बड़े नेता की सभा नहीं हुई। पटेल ने कहा था, मेरे लिए जनता जनार्दन ही सब कुछ है। स्थानीय प्रत्याशी व युवा चेहरा होने का पूरा मिला फायदा। बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से चेतन पटेल का किया भव्य स्वागत। सुल्तानपुर व इटावा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी व मिठाई वितरण कर खुशी मना रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा के परिणाम घोषित हो गए हैं और जीत के बाद विधायकों की एक बार से चांदी होने वाली है। विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं हमेशा चर्चा में रहती हैं। राजस्थान में चुनाव के तुरंत बाद नए विधायकों को आलिशान फ्लैट दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के सामने विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनकर तैयार है, जिनका लोकार्पण हो चुका है। अब चुनाव के बाद विधायकों को ये फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, जिसमें से इस बार जीत कर आने वाले नए विधायकों को 160 फ्लैट मिलेंगे। इससे पहले विधेयकों के लिए गांधीनगर, जालुपुरा, विधायकपुरी और लालकोटी इलाके में आवास आवंटित होते थे, इस बार उन्हें ये आलिशान फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले जिन विधायकों के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, उन्हें 50,000 आवास भत्ता मिलता था, जो अब नए फ्लैट मिलने के बाद बंद हो जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राजस्थान में भाजपा की जीत परिणामों में बीजेपी की आंधी आ गई। राजस्थान में अशोक गहलोत ने मानी हार, नई सरकार को दी शुभकामनाएं, साथ ही दिया सुझाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपेंगे। राजस्थान में बीजेपी को खुशी के बीच मिला गप, अमेर सीट से हारे पार्टी के कद्दावर नेता सतीश पुनिया। राजस्थान में हार के बाद कांग्रेस में टूट, अशोक गहलोत पर उनके करीबी ने ही मढ़े हार के आरोप।
केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।